आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि कंसोल और पीसी गेमर्स मोबाइल गेम्स यूजुअली प्रेफर नहीं करते, और थोड़े कंसोल और पीसी प्लेयर्स तो मोबाइल गेमर्स को असली गेमर्स भी नहीं मानते हैं। पर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता भैया, मेरे लिए सब एक है। मैं बस ये वीडियो के माध्यम से एक बेसिक मेंटालिटी को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, तो मेरे को मत कैंसिल कर देना। अब दिस इज नो सीक्रेट कि गूगल प्ले स्टोर में कोई भी अपना गेम पब्लिश कर सकता है, चाहे वो गेम में कितने ही बग्स हो और उसके ग्राफिक्स एकदम बकवास हो। बस एक डेवलपर अकाउंट की जरूरत होती है जिसको बनाने के लिए एक वन टाइम फी लगती है ऑफ $25, विच इज रफली अराउंड 2,000 rupees। पर व्हेन इट कम्स टू पीसी और कंसोल्स इट्स मच डिफिकल्ट, क्योंकि काफी क्वालिटी चेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब साइबरपंक 2077 आया था तब उसमें काफी बग्स थे, पर स्पेशली PS5 के लिए तो वो गेम हद से ज्यादा बगी था, और जैसे ही सोनी को ये पता लगा उन्होंने गेम को अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा दिया। पहली फुर्सत में निकल। तो सोचो कि इतने बड़े AAA गेम को हटा दिया था सोनी ने, और जब प्ले स्टोर की बात की जाए तब तो ऐसे गेम्स बहुत हैं जिनमें सिर्फ बग्स ही बग्स होते हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, एंड एनीबॉडी वुड चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये तो जाहिर सी बात है कि पीसी और कंसोल्स में प्लेइंग एक्सपीरियंस काफी बेटर है व्हेन कंपेयर टू मोबाइल, बिकॉज देखो पीसी में आपको मिलती है अच्छी खासी स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, रैम, जिसके चलते आप हैवी गेम्स चला सकते हो और उनका पूरा लुत्फ उठा सकते हो। अब आप खुद सोचो, GTA 5 जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइटल्स में से एक है, उसका ही स्टोरेज पीसी में 100 GB से ज्यादा का होता है। भाई 128 GB का तो फोन है यार मेरा। तो ऐसे ही हैवी गेम्स जिसमें आप एक्चुअली काफी चीजें कर सकते हो वो मोबाइल में आ नहीं पाते हैं। ऑल्सो इंडिया की अगर हम बात करें तो यूजुअली मास ऑडियंस के पास लो और मिड रेंज के फोन्स होते हैं, और उनको स्टोरेज में भी काफी इशू हो जाता है। मतलब यार कोई 2 GB के गेम को डाउनलोड करने के लिए भी परेशानी आती है। एंड ये ही अगर आप पीसी या कंसोल से कंपेयर करो तो ना आपको स्टोरेज का ज्यादा इशू होगा ना परफॉर्मेंस का। इवन एक मिड रेंज के सेटअप में आप मोस्ट गेम्स एंजॉय कर सकते हो, चाहे आपके पास i5 या i7 ही है, फिर भी यू कैन एंजॉय अ गुड गेम ऑन दैट, जो कि मोबाइल में पॉसिबल नहीं हो पाता है। मोबाइल में स्टोरी ड्रिवन गेम्स ऑलमोस्ट आते ही नहीं है, बल्कि पीसी में आप रेड डेड रिडेम्पशन, लास्ट ऑफ अस और विचर जैसे गेम्स एंजॉय कर सकते हो। पर ऐसा होता क्यों है? दैट इज बिकॉज ये सारे गेम्स पेड होते हैं। आई मीन आपको ये गेम्स पहले खरीदने पड़ते हैं एंड देन आप इनको खेल सकते हो। बल्कि मोबाइल गेम्स की मार्केट काफी अलग है। यहाँ पे प्लेयर्स पहले गेम खेलना चाहते हैं एंड फिर डिपेंडिंग ऑन वेदर दे लाइक द गेम और नॉट वो उस पे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इसलिए मोस्ट मोबाइल डेवलपर्स माइक्रो ट्रांजेक्शन का सहारा लेते हैं। तो गेम फ्री टू प्ले है भी और नहीं भी। और मोस्ट मोबाइल गेम्स आर इधर मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल गेम्स, जहाँ पे प्लेयर्स को इन गेम कॉस्मेटिक्स के जरिए ललचाया जाता है और काफी लोग स्पेंड भी कर देते हैं गेम में। अब यही अगर हम कोई पीसी या कंसोल गेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्यों ही चाहेगा टू प्ले गेम्स लाइक दिस ऑन मोबाइल, जबकि वो अच्छे गेम्स अपने पीसी या कंसोल में खेल सकता है। बना दिस ऑल्सो वर्क्स वेल फॉर मोबाइल डेवलपर्स, क्योंकि वो काफी पैसा बना लेते हैं एंड इट्स टेक्निकली नॉट रॉन्ग यार। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि मोबाइल गेम बनाने में भी काफी मेहनत जाती है। ऑल्सो कुछ मोबाइल गेम्स में ना काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, मतलब वो एड्स देख के इतना दिमाग खराब हो जाता है कि गेम खेलने का मन ही नहीं करता। और हाँ, ये स्टोरी मोड गेम्स काफी फन होते हैं यार। इसमें आप काफी एक्सप्लोर कर सकते हो और काफी कुछ सीख सकते हो, एंड इन जनरल यू कैन जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन व्हाइल प्लेइंग दीज गेम्स। पर ये लिमिटेशन सॉर्ट ऑफ हो जाती है मोबाइल के लिए, बिकॉज ज्यादा ओपन वर्ल्ड गेम्स नहीं बन पाते एंड एक्सप्लोरेशन वाला बिट तो रह ही जाता है। एंड आप खुद देख लो, कोई भी फेमस पीसी या कंसोल टाइटल का जनरली मोबाइल वर्जन या तो आता ही नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा लेट आता है, और अगर वो पेड हो तो कौन ही खरीदेगा। ऐसी भी बात नहीं है भाई, मैं तो गेम्स खरीदने में विश्वास रखता हूँ। अच्छा बेटा, तो तुमने GTA के सारे मोबाइल अडॉप्शन खरीद रखे हैं? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही अब? हेलो, क्या हो गया भाई? हेलो, थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल गेम्स को पसंद नहीं करते जस्ट बिकॉज उनको लगता है उनका प्लेटफॉर्म सुपीरियर है। आप लोग भी कभी नोटिस करना, यूजुअली पीसी और कंसोल गेमर्स में डिबेट चलती है कि किसका प्लेटफॉर्म सुपीरियर है, एंड इन मोस्ट केसेस ये दोनों मोबाइल गेमर्स को अंडरमाइन करते हैं। इसका हमको एक एग्जाम्पल देखने को मिला था 2020 में, जब मशहूर स्ट्रीमर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने एक ट्वीट में मोबाइल गेमिंग की इंसल्ट करी थी। बेसिकली डॉक ने फ्लेक्स किया कि उनका सेटअप इतना महंगा है एंड लोगों के पास फिर भी गट्स होते हैं ये कहने को कि मोबाइल गेमिंग इज अ सीरियस थिंग। और ये ट्वीट के ही कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के फेमस प्लेयर फर्ग ने उनको 1v1 का चैलेंज किया फॉर $100,000। फर्ग ने तो ये भी लिखा कि आप पीसी से खेलना और मैं मोबाइल पे खेलूंगा। डॉग ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पर वो भी मोबाइल से खेले, और ऑब्वियसली फर्ग ये चैलेंज के विजेता बने।
तो हाँ, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है थोड़े गेमर्स में कि हमने तो देखो इतना पैसा खर्च किया है तो ऑब्वियसली हम सुपीरियर हैं। पर थोड़े ट्रेडिशनल गेमर्स पीसी इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इनिशियली गेम्स पीसी के लिए बनते थे और जो लोग वो टाइम से उनको खेलते आ रहे हैं उनको आदत हो गई है यार। उनको एक बड़े मॉनिटर पे विद कीबोर्ड एंड माउस से खेलना अच्छा लगता है व्हेन कंपेयर्ड टू एक छोटी सी फोन की स्क्रीन। तो हाँ, प्रेफरेंस की भी एक बात आ जाती है इसमें। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीसी और कंसोल गेम्स की मार्केट और गेमर्स काफी अलग हैं व्हेन कंपेयर्ड टू मोबाइल गेम्स। पर हाँ, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर गेमर्स। तो बस मस्त चाय पीने का और गेम्स खेलने का। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। अप्रैल में कौन से गेम्स खेलने चाहिए ये सवाल दिमाग में आ रहा है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं विल जस्ट नो और मैं आपको मिलूंगा अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।